नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुजिता। और खबरों की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए प्रदेश कांग्रेस में मचे घमासान पर कहा है कि इस विषय में दोनों पक्षों को बैठा कर समाधान निकालना चाहिए। दो दिनी ग्वालियर प्रवास के दूसरे दिन मेला रंगमंच पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों से बातचीत कर उन्होंने कहा कि 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस का शासन आया है, अभी 6 महीने में भी नहीं हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लोगों के विकास को लेकर कई आशाएं और अभिलाषाएं हैं। सिंधिया ने आगे कहा कि मतभेद हो रहे हैं, मुख्यमंत्री का दायित्व है दोनों पक्षों को बैठाकर सुने और उनकी सुलह कराए। पत्रकारों से बातचीत में सिंधिया ने उमंग सिंघार का बचाव किया और कहा कि सरकार अपनी दम पर चलना चाहिए, किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। 15 साल कड़ी मेहनत करके आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन स्थापित हुई, हमको 6 महीने भी नहीं हुए और जिस आशा और अभिलाषा के साथ हम सब लोग, चाहे मैं हूँ, दूसरे कार्यकर्ता हैं, सभी ने मेहनत की, उस आशा और अभिलाषा के साथ कि हम एक नया मध्य प्रदेश स्थापित करेंगे जहाँ विकास होगा, प्रगति होगा, वही आशा के अनुरूप सरकार को कार्य करना चाहिए। और आज अगर ऐसे मतभेद उठ रहे हैं तो ये दायित्व तो होता है मुख्यमंत्री को दोनों पक्षों को बैठकर सलाह मशवरा करें, उसका समाधान। सिंगरौली सरई थाना अंतर्गत बीते दिनों आशीष जनरल स्टोर गन्ने के समीप तेज रफ्तार बुलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए बैरन जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार श्यामलाल की मौत हो गई। मौत की खबर सुन परिवार में मातम छाया हुआ है। वही सरई पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। न्यूज आज के लिए उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। हरतालिका तीज के अवसर पर ताली मोहल्ले में आयोजित पूजा कार्यक्रम में ताली मोहल्ले की सभी महिलाओं ने मिलकर तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया। उक्त कार्यक्रम में स्वतंत्र समाज सेवी समिति अध्यक्ष सीए मनोरमा शाहवाल के द्वारा तीज क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें साधना को तीज क्वीन का विजेता घोषित किया गया। सभी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर पूजन थाली सजा कर पारंपरिक तरीके से तीज की पूजा संपन्न की। उक्त अवसर पर राजकुमारी मंजू, मधु, नीतू, अंजू राजपति के साथ साथ ताली मोहल्ले की सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज आज में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज आज के साथ। नमस्कार।